हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी मैं हूँ बड़नेर रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ पुणे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए मेरी सिस्टर की घर। अभी बज रहे 8:30, मेरी 9 बजे ट्रेन है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डाउन। ये मेरी ट्रेन के सुबह के 7:15, अभी मैं पहुंच गया हूँ डाउन। पता नहीं क्या होने वाला है इस ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, उतर गया हूँ पुणे में। तो अभी मैंने ओला से कैब बुक करा ली है, अभी जाता हूँ सिस्टर के घर पे। तो अभी मैं गया हूँ ओला में। ये साजिद भैया, हमने पुणे कर ये ओला कैब चलाते हैं। मराठी तो मुझे मिला यहाँ पे साजिद भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। सर हमें थोड़ा सा, ये पहले बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करते थे, पर उन्होंने जॉब वगैरह सब छोड़ दिया और अभी खुद का ऑटो चलाते हैं और अच्छा कमाई करते हैं। बढ़िया, मराठीत बोले यांची अशी इच्छा होती की मराठीत बोलायला पाहिजे। तर साजिद पीडचा आहे, पुण्यात राहतो 10-12 वर्ष झाले। जॉब सोडून त्यांना मेंटल पीस मिळाला आणि स्वतःचे बॉस होता आहेत, हे मला खूप आवडलं यांचं आणि मी पण इन्स्पायर झालो त्यांच्याकडनं। चला भेटूया साजिद दादा। थँक्यू। बघा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तो मैं पहुंच गया हूँ मेरे सिस्टर के अपार्टमेंट में। तो चले मिलते हैं और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे 4-5 दिन घूम, देखते हैं कि आज आजू-बाजू में घूमना होता है क्या। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुणे। आज है मेरा पुणे का तीसरा दिन। तो अभी मैं जा रहा हूँ कार्ले भाजी लेनी, केव्स है वहाँ पे जाएंगे। आज मेरे साथ है रॉयल एनफील्ड की हंटर, जो कि मेरा जीजा जी की है। तो चलिए। तो अभी मैं भाजी केव्स से 10 किलोमीटर दूर हूँ। एक्चुअली मेरे राइडिंग गियर्स नहीं लाए, इसलिए मेरे पास मोटो व्लॉगिंग करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं यहाँ पे इतना ट्रैफिक और इतना ये है कि मैं हाथ में कैमरा पकड़ के मैं आपको रोड वगैरह नहीं दिखा सकता, बट मुझे यहाँ पे एक व्यू दिखा बहुत अच्छा, वो देख ली। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूँ कार्ले, कार्ला गांव में पहुंच गया हूँ। तो मैंने एक चाय ब्रेक लिया है अभी यहाँ पे। तो अभी यहाँ से कुछ दूर है, 1-2 किलोमीटर है जहाँ पे लेनी है केव्स है। तो आइए चाय पीने के लिए। तो मैं अभी भाजी गांव में पहुंच गया हूँ। केव्स की तरफ जाते जाते मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे, देखिए। वाह, ये है भाजी वाटरफॉल। चलिए इसे थोड़ा क्लोज से देखते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। यहाँ के गांव के लोग जो है यहाँ आके कपड़े वगैरह धो रहे हैं, बहुत अच्छा सीन है। देख लेके मेरे पे वाटरफॉल है। कुछ लेते हैं तुम्हें? तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल व्यू है, मस्त है। और यहाँ पे लोकल लोग मस्त कपड़े वगैरह धो रहे हैं, मुझे अच्छे फोटो मिले, कुछ मजा आ गया है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं अभी केव्स की तरफ। एक्चुअली मैं केव्स की तरफ जाने वाला सब पीछे छोड़ा आया, पर मैं थोड़ा सामने आ गया हूँ। पर मुझे एक बहुत अच्छा व्यू मिला है मेरे पीछे, देखिए अभी आप। ए हे, वाटरफॉल बहुत अच्छा है, सुंदर है। ये देखिए व्यू बहुत सुंदर है। एक्चुअली गोप्रो को पानी में डाला था, इसलिए आवाज पता नहीं रिकॉर्ड होता है नहीं बराबर, क्योंकि वो कभी कभी बहरा हो जाता है गोप्रो। तो चलिए अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, तो वहाँ से ऊपर चलना है, ट्रैक है थोड़ा, फिर भाजी लेनी आती है। तो चलो चलते हैं। एक्चुअली जो पहले वाटरफॉल पे मैं रुका था ना, वही वाटरफॉल के बाद में, देखिए वाटरफॉल दिख रहे थे, वही से ही सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा सामने आने के बाद में ये सीढ़ियाँ दिख जाती है बहुत सारी, देखिए ये वाली सीढ़ी दिख जाती है। तो यहाँ से ऊपर है भाजी लेनी, भाजी केव्स। तो बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है यहाँ का, बहुत अच्छे लोकेशंस है, मजा आ रहा है देख के, एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, पर थोड़ी धूप जाए तो डिहाइड्रेशन होता है थोड़ा सा, तो पानी पीते रहिए।
इसलिए मैं स्टूडियो को मेरा दुश्मन बोलता हूँ हमेशा। बहुत बहुत वाट लग गई है, दुख भी बहुत है। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरा कार्डियो बंद है, सिर्फ वेट लिफ्टिंग और डाइट ही चल रहा है, फिर भी बहुत ऊपर आ गया मैं। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे 25 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। और मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरेज है मेरे साथ में, इसलिए मेरे अलग से कैमरे की टिकट अलग से लगने वाले 25 रुपीज़ की। ये एंट्री टिकट और ये है शूट की परमिशन, जो कि 25 रुपीज़। ASI का सभी इधर आप जाओगे तो 25 रुपीज़ के आसपास ही टिकट होती है। ये देखिए यहाँ से क्यों दिखना शुरू हो जाती है। और यह है एंट्री गेट, बहुत थके हो। ये है भाजी लेने का चैत्य गृह, ये मेन देखने आती, ये मेन लेनी है, इधर से शुरुआत होती लेनी की, तो अपन वहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट लेनी से लेके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर इधर भी है कुछ। ये फर्स्ट लेनी है, यहाँ पे पानी जमा हुआ है, देखिए ये पहली लेनी है, इसके बाद ये शुरू होती है। वहाँ पे एक चैत्य गृह है जो कि मेन है लेनी का पार्ट है। तो ये जो लेनी है ये ईस्वीसन पूर्व दूसरे शतक में बनाई गई है ऐसा कहा जाता है। ये जो लेनी है ये बौद्ध लेनी है जिसमें 22 विहार है और उसमें का एक चैत्य गृह है जो मेन है और बाकी की जो 21 है वहाँ पे भिक्कू लोगों की रहने की अरेंजमेंट थी। तो चलिए देखते हैं, ये अपनी पहली दूसरी लेनी तो हमने देख ली, अभी जाते हैं चैत्य गृह की तरफ जो कि मेन लेनी है यहाँ की। ये दूसरी क्या है और देखिए कितना सुंदर कार्विंग किया हुआ है, एकदम प्लेन मस्त। ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद आती है जो कि हिस्टोरिक है। यहाँ पर हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं था पर फिर मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है मुझे। पानी गिर रहा है मस्त। ये देखो यहाँ पे भी कुलों की सोने की अरेंजमेंट है, ये आधी है, ये पूरी बनाई नहीं है, ये रूम्स है एक्चुअली। यहाँ पे बेड सिस्टम भी है। तो ये बिल्कुल लोगों के लिए सोने की अरेंजमेंट है, यहाँ पे रूम्स है, 6 रूम्स है एक्चुअली, पर एक रूम आधी अधूरी है, पता नहीं क्यों नहीं बनाई हो। तो बाकी 5 रूम्स है, वहाँ पे बेड भी है, मतलब पत्थर का ही बेड है। तो अगर आप अभी कभी विपश्यना जाते हो तो ऐसे ही बेड सिस्टम वहाँ पे रहती है। देखो यहाँ पे भी रहने की अरेंजमेंट है, एक पर्सनल रूम है, ये पता नहीं एक बड़े रूम है, यहाँ पे बेड नहीं है पर, और ये भी वैसी रूम है। अगर आप लोग कभी विपश्यना गए हो, मैं गया हूँ एक्चुअली, मैंने किया विपश्यना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही सोने की अरेंजमेंट रहते हैं, सिंगल बेड एक रूम में। ये तो पत्थर में कारुकी है बट वहाँ पे जो अपना स्टोन रहता है उसके बनाए होते हैं, ऐसे ही रहना पड़ता है, यहाँ पे भिक्षु की तरह ही रहना पड़ता है विपश्यना में भी। ये है चैत्य गृह जो कि ये लेनी में का मेन पार्ट है। तो अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि शूज निकालने पड़ते, पहले मैं इधर की बाकी जो लेनी है वो देख के आता हूँ, फिर मैं अपन यहाँ पे अंदर जाएंगे लास्ट। कितनी सुंदर खिड़की बनाई है यहाँ पे, कितना अच्छा कार्विंग है देखो। अरे देखिए यहाँ पे ऊपर भी है, ये शायद पानी का टैंक था तब का, पानी अभी भी जमा है वहाँ पे। और क्या हो जाए, देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, और केव जी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए बहुत पीसफुल लग रहा है, शांत लग रहा है, अच्छा है। बहुत थक गए एक्चुअली, डिहाइड्रेशन हो गया है मुझे, पसीना बहुत जा रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, वेदर थोड़ा सा अजीब है, उमस उमस है थोड़ा सा, इसलिए ठीक है चलो मज़ा आ रहा है। घर वालों के फोन आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स बैठो, देखो कितना सुंदर जगह है यहाँ पे बैठो, यहाँ पे छोटा सा झरना है, यहाँ पे देखो ये। हेलो, ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे स्तूपा है यहाँ पे, और ये क्यों ऊपर से थोड़ी सी टूट गई, शायद यहाँ तक होंगी पूरी लंबी। कितना सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है देखो, यहाँ पे लॉक है, अंदर पता नहीं क्या है, दिख रहा है कि इसमें से।
यहाँ पे कुछ कार्विंग किया हुआ है, मूर्ति है। देखो यहाँ पे पीने का पानी का सोर्स है, यहाँ पानी जमा होता है, यहाँ ये पीने का ही है, के लोग भी यही पानी पीते हैं। एक यहाँ पे भी छोटी सी पिए हुए वाटरफॉल दिखता है। इसलिए कि आपको क्यूज और ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए अभी और बहुत कुछ बाकी है देखना। हाथ में टका है क्या उनके ताकि डा फुट खोले। ये पानी का सोर्स है यहाँ पे, जो पत्थर में से जो झिरप के पानी आता है उसका जमा होता है। 10 फुट खोल टंकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब लोग यही पानी पीते हैं अभी भी। तो देखिए शुद्ध पानी है, चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। चलो ये नेचुरल वाटर है पूरा। वाह टेस्ट बहुत अच्छी है, अच्छी है और ठंडा है पानी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहाँ मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए। इतने सब सब्सक्राइब बनने वाले मेरे, सब सर्च करो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो अभी ये बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। या आज इनका बर्थडे है और आज घूमने आए बहुत अच्छी जगह पे। हैप्पी बर्थडे बन सके। थोड़ा सा थक गए हो इसलिए थोड़ा बैठ गए यहाँ पे चैत्य गृह में, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं लोहगढ़ जाते हैं, वहाँ पे भी ट्रैकिंग है शायद। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग होगी तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं फिलहाल ट्रैकिंग करने की। तो चलो मेरी केव्स घूमना हो गई है, फोटोग्राफी भी हो गई, मेरी व्लॉग भी अच्छे से शूट हो गया। ये पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ पे ऊपर ये विसापुर फोर्ट दिखता है यार, तो वहाँ तो नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है। और इधर ही लोहगढ़ फोर्ट भी है, तो यहाँ से बाइक से वहाँ तक जाता है ट्रैक, जितना यहाँ पे था भाजे केव्स में उतना ही ट्रैक है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मेरी बॉटल का पानी खत्म हो गया है, टैंक देखा था वाटर टैंक फ्रेश वाला पानी, तो वो भर के लेते हैं बॉटल में क्योंकि आगे भी थोड़ा सा ट्रैक है तो पानी तो चाहिए बॉस। और एक तो वेदर बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, उमस उमस है, पानी इंटेक अच्छा होना चाहिए इस टाइम पे। भूख तो नहीं लगी अभी फिलहाल, इतने बज गए हैं 1:30, तो देखते हैं अभी नीचे जाता हूँ। कुछ है मेरे पास टिफिन, सिस्टर ने दिया है टिफिन खाने के लिए, एक हाथ जगह जाके खा लेते। कुठले आहे तुम्ही? अंगाडेवाडी तिकडे पिंपरी। पिंपरी, अच्छा पिंपरी चिंचवड ना, अच्छा अच्छा, दो सब्सक्राइबर मिल गए आपने। सीढ़ियाँ उतरने में कुछ नहीं लगता है, चढ़ने बहुत बहुत तकलीफ हो जाती है। चलो बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। हाँ ये गीला हुआ है, वो पसीना है एक्चुअली, बारिश नहीं है, बारिश कम है।